सकते हैं। 1970 में जब भारत में घड़ियालों की आबादी कम हो रही थी, तब इस वन्य जीव की आबादी बढ़ाने की दिशा में चंबल का मुख्य क्षेत्र के रूप में चयन किया गया था। यहाँ पर प्रजनन एवं वंश बढ़ाने संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। यह चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर स्थित इस अभयारण्य के भीतर चंबल नदी अपने मूल प्राकृतिक रूप में बीहड़ खाइयों और पहाड़ियों से गुजरती है और उस पर कई रेतीले किनारों पर वन्य जीव पनपते हैं। चंबल अभयारण्य भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा सूस की रक्षा के लिए बनाया गया है।